वंदेहं श्री गुरु श्री जुता पदकमलं ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रसादे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चैप्टर सिक्स कन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यास। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुतः। एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं
निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूयः प्रपञ्चतम ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपच्छन्तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः सुत उवाच सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः और आत्मा सूतवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः सूत उवाच सूत उवाच श्रील सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार निशम्य सुनकर सुनकर भगवान भगवान सर्वज्ञ सर्वज्ञ देवर्षि है देवर्षि देवर्षि नारद के देवर्षि नारद के जन्म 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 कर्म कर्म और कर्म च और भूयः भूयः पुनः पुनः पप्रच्छ पप्रच्छ पूछे पूछे तं तं श्री नारद जी से श्री नारद जी से ब्रह्मन् ब्रह्मन् हे सौनक जी हे सौनक जी व्यासः व्यासः व्यासदेव व्यासदेव सत्यवती सुतः सत्यवती सुतः सत्यवती के पुत्र सत्यवती के पुत्र तो इसके पहले कथा हुई है किस प्रकार श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास देव के आश्रम पर आए और ये दोनों भगवान के अंशावतार आमने सामने बैठे हैं। श्री नारद जी ने पूछा कि आप ग्रंथ लिखे महाभारत लिखे वेदों का विभाजन किए इतना प्रयास करने के बाद भी जीवों के हित में सदा तत्पर रहने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं दिखते हैं क्या कारण है। तब भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ मेरा हृदय बड़ा खिन्न है
लेकिन आप तो सबके भीतर वायु के समान व्यापते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, बाहर भी सूर्य की तरह घूमते हैं। कृपया करके आप बताइए कि हमारे दुख का, असंतोष का कारण क्या है। इस पर श्री नारद जी ने बताया उनको कि आपने धर्म, अर्थ, काम आदि का जितना विस्तार से वर्णन किया है, इतना भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन नहीं किया, उनके रूप गुण लीला आदि का वर्णन नहीं किया, यही आपके असंतोष का कारण है। तो आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, समाधिस्थ कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के विविध लीलाओं को याद कीजिए, विविध अवतारों में, और अनुस्मरण करके आप उन लीलाओं को लिखिए। तो इससे समस्त मानवों को एक अवसर मिलेगा भगवान कृष्ण के बारे में जानने का, और कृष्ण से प्रेम करेंगे तब आपका दुख चला जाएगा। और श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताया, इस जन्म में तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन इसके पूर्व जन्म में ये बताया कि मैं एक दासी का पुत्र था, पर साधु संग में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से, उन साधुओं का संग करने से और उनका उच्छिष्ट खाने से भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति लग गई। तो यही उपाय है, भगवान की कथाओं को सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना, गुण का कीर्तन करना, इसी से जीवों का दुख मिटेगा। और आप जब ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा दिव्य ग्रंथ रचेंगे, तो आपका दुख भी चला जाएगा। सूत जी कहते हैं इस प्रकार देवर्षि नारद के जन्म और कर्म की बात जब सुना भगवान वेदव्यास देव ने, तो पुनः पूछे नारद जी से, भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्। हे शौनक जी, सूत जी कथा कह रहे हैं नैमिषारण्य में, कहते हैं कि हे शौनक जी, तो भगवान वेदव्यास देव जो सत्यवती माता के पुत्र थे, उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, किस तरह से पूछ रहे हैं आगे के श्लोकों में। व्यास उवाच, व्यास उवाच, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, मैं कथा कर रहा हूँ। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञान दृष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोत् भवान। जब चार महीने बीतने पर चातुर्मास करने वाले ब्राह्मण जब चले गए, वैष्णव भक्तजन चले गए, जो आपको विज्ञान का उपदेश दिए थे, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान भगवान के बारे में, भक्ति तत्व का वर्णन इसको विज्ञान कहा गया है। तो भक्ति का उपदेश दिए, भगवान की कथा कहे, तो आपको भक्ति का उपदेश करने वाले भिक्षुगण अर्थात विरक्त महात्मा जब चले गए, तो उस समय तो आप बिल्कुल बच्चा थे, 5-6 वर्ष के, आद्य वयस ही वर्तमान, आद्य वयस में आप अस्थित थे, छोटी उम्र में, कुमार अवस्था में। तो ततः किम करोत् भवान, इसके बाद आप क्या किए। सत्संग तो आप केवल 4 महीना किए चतुर्मास में, उसके बाद आप क्या किए। ततः परम भवान किम अकरोत्, आप बच्चा थे तो आप क्या किए, स्पष्ट प्रश्न है। भगवान वेदव्यास देव बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी से कह रहे हैं, ठीक है, हमने सुन लिया आपके जन्म कर्म का वर्णन, तो जब वे आपको भक्ति का उपदेश देने वाले वैष्णव जन चले गए, तब आप क्या किए। और भी बात पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न है, स्वयं भुवः कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, स्वयंभू के पुत्र,
आपकी रहनी क्या थी, आपकी वृत्ति क्या थी, उसके बाद आप कैसे बर्ताव किए, क्या क्या किए। वृत्ति कहते हैं बर्तन, आपका भोजन कैसे होता था, आप कैसे जिए, कहाँ रहे, किसका संग किए, उसके बाद कया वृत्तिया वर्तितम थे, किस तरह से आपका जीवन बीता है, परम भय शेष आयु आपकी कैसे बीती। साधु लोग जब चले गए तब कया वृत्तिया, आप किस तरह से जिए, क्या करते थे, और समय आने पर कथम चेत उदस साक्षी काले प्राप्त कलेवरम, और आपको तो सब कुछ याद ही है, समय आने पर आप उस शरीर को कैसे बदले, दासी का पुत्र आप थे तो उस शरीर आप कैसे छोड़े, कृपया बताइए। पूर्व जन्म की बात, पूर्व कल्प की बात पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा था कि मैं पहले कल्प में दासी पुत्र था, तो पूछ रहे हैं भगवान वेदव्यास देव, काले प्राप्त समय आने पर कथम कलेवरम एकदम उदस राक्षी, किस तरह से आप इस शरीर को छोड़े, दासी शरीर को किस तरह आप छोड़े, तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्राकल्प विषय में ताम स्मृति तेसर सत्तमा मुनिषत्तमा न यश व्यवधात काले ये सर्व निराकृति। आप कहते हैं हमको सब कुछ याद है पूर्व जन्म की बात, तो प्राकल्प विषयाम पूर्व कल्प के से संबंधित पुरानी बातें, पूर्व जन्म की स्मृति कैसे रह गई आपको, पूर्व जन्म की स्मृति आपको कैसे रह गई, क्योंकि ऐसा सर्व निराकृति ये काल है, सबकी स्मृति समाप्त कर देता है, तो आपकी स्मृति को कैसे छोड़ दिया। ये प्रश्न है। वास्तव में काल एक ऐसा पदार्थ है जो सबके स्मृति को, देह को, सबको खत्म कर देता है। हम लोगों को तो अपने पूर्व जन्म की एक सेकंड की बात नहीं याद, कहाँ जन्म लिए थे, पिता कौन था, योनि कौन थी, कहाँ घूमे, कहाँ गए, अरे इस जन्म की बात तो याद ही नहीं रहती है, पूर्व जन्म की क्या याद रहे, है ना। लेकिन नारद जी से भगवान वेदव्यास देव पूछते प्राकल्प विषय, प्राकल्प विषय पूर्व कल्प से संबंधित स्मृति आपकी कैसे रह गई। काल आपके स्मृति को बाधित नहीं किया, न व्यवधात काल, जबकि ये सब काल सर्व निराकृति, सबका निराकृति कर देता है, सब नष्ट कर देता है, स्मृति भी, देह भी, सब कुछ नष्ट कर देता है, तो आपकी स्मृति को कैसे छोड़ दिया, आपको कैसे याद है पूर्व कल संबंधित जीवन। ये चार प्रश्न जो ऋषि नारद से किया गया। ब्राह्मणों के चले जाने के बाद आपने क्या किया और शेष जीवन आप कैसे बिताए, दो प्रश्न है। और समय आने पर आप शरीर कैसे छोड़े और पूर्व कल्प की स्मृति आपको कैसे रह गई। नारद जी से प्रश्न किया जा रहा है। तो नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा, भिक्षु भीर विप्रवसित विज्ञाना दृष्टि भीर मम वर्तमानो वयस्यादे तथा एतद कारसम। जब मुझे भक्ति का उपदेश करने वाले परमहंस ब्राह्मण जन चले गए, तो उस समय मैं कुमारावस्था में था, आदे वयसी वर्तमान कुमारावस्था में था, तो उसके बाद एतद अकारसम मैंने यह किया,
तब अकार संकार से मैं यह किया, सुनिए ध्यान से मैं क्या किया। दासी पुत्र जब थे उस समय की बात बता रहे हैं कि मैं क्या किया। एकात्मजा में जननी जोशिन मूढ़ा चकीम करी मैयात्मजे नन्य गतो चक्रे स्नेहानुबंधन। मेरी माँ का मैं ही इकलौता बेटा था, दासी थी और उसका मैं इकलौता पुत्र था। श्री नारद जी कह रहे हैं कि दासी, तो लगता है कि श्री नारद जी के पिताजी का देहांत हो गया था किसी काम से, लगता है ऐसा। नहीं तो ये भी कहते कि पिताजी थे तो ये थे। दासी थी तो एकात्मजा में जननी, मैं जननी, मेरी जननी एकात्मजा थी। एक कह अहम एवं आत्मजो जस्या सा एकात्मजा, एक ही आत्मज्ञ था, ऐसी मेरी माँ थी। जोशित, एक तो वो स्त्री थी, जोशित का अर्थ है स्त्री, मूढ़ा और मूढ़ थी, मतलब बहुत ज्ञान नहीं था। श्री नारद जी का पैरेंट इतना लो था, लेकिन एक दिन में भगवत भक्ति के प्रभाव से, कथा सुनने से इतने महत्व को प्राप्त। तो अपने माँ के विषय में कहते हैं कि योषित, तो स्त्री थी जैसे मूढ़ा, मूढ़ा मतलब बहुत ज्ञान नहीं था, मुग्ध थे, चकिंकरी और ऊपर से किंकरी थी, दासी थी। किंकर कहते हैं जैसे कोई हाथ जोड़ कर किसी से पूछे कि किम करूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, इस तरह से जो कहे और तैयार रहे सेवा के लिए, तो उसको किंकर कहते हैं, और इसके स्त्रीलिंग भाव को किंकर ही कहते हैं, दास। तो मेरी माँ दासी थी, मूढ़ थी, और मैं ही इकलौता बेटा था। तो मई आत्मजे मुझ पुत्र में चक्रे स्नेहानुबंधन, स्नेह का अनुबंधन था मेरे साथ, मुझसे बहुत स्नेह करती थी। कोई भी माँ तो अपने बेटा से स्नेह करती ही है, लेकिन उस दासी के जीवन में लगता है कि उसके पति का देहांत हो गया था। आजकल जैसे छोड़ नहीं दिए थे, डिवोर्स नहीं दिए थे, मृत्यु हो गई थी, और नारद जी अनाथ थे, इसलिए उन्हें दासी पुत्र कहा जाता है। दास पुत्र कभी नहीं कहा गया, पिताजी बचपन में ही प्रस्थान कर गए थे, मर गए थे, इससे सिद्ध होता है। ऐसे बालक जिसके आगे पीछे कोई नहीं, केवल माँ है, और वो भी बेचारी दीनहीन दासी, तो मुझमें बहुत स्नेह करती थी, और मेरा सहारा कोई नहीं था, अनन्य गतव, मैं अनन्य गति था, मेरे लिए मेरी माँ ही एकमात्र सहारा थी। उसको अनन्य गति कहते हैं, न अन्य गति ही जस्य स अनन्य गति, अन्य कोई आश्रय नहीं था, सहारा नहीं था। तो मैं आपको डायरेक्शन तो मेरी माँ मुझ में बहुत स्नेह करती थी। सास अस्वतंत्रा न कल्पा से योग क्षेम ममे क्षति, मेरे योग क्षेम की इच्छा करती थी। योग क्षेम का अर्थ है मैं अपने बेटा के लिए ये जुटा दूँ, ये रखूँ, ये करूँ, ये खिला दूँ, ये पहना दूँ, मनोरथ तो बहुत करती थी, बहुत मनोरथ करती थी, लेकिन कल्पा न आसित, लेकिन समर्थ नहीं थे। चाहती थी मुझको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, और कई चीज़ चाहती थी, लेकिन कल्प नहीं, कल्प का समर्थ न कल्पा आसित। मेरी माँ मुझको बहुत चीज़ देने में समर्थ नहीं थी, बहुत गरीब थी, दासी थी,
योगक्षेम ममेच्छति, मेरे योगक्षेम की चिंता करती थी, इच्छा करती थी। योग का अर्थ होता है कोई चीज़ जुटाना, और क्षेम का अर्थ है जुटे हुए वस्तु की रक्षा करना, क्षेम कहते हैं। योग की चिंता क्षेम की करती थी, जुटा दूँ, ये रखूँ, ये अपने बच्चे के लिए, खाने के लिए, पहनने, लेकिन समर्थ नहीं थे चाहने के बाद भी, क्योंकि अस्वतंत्र थी, दासी थी, दूसरे के अधीन थी, और इसीलिए कल्पा न आसित, समर्थ नहीं थी। श्री नारद जी दासी पुत्र थे, एक दिन इतना महत् पद को प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान के पार्षद हो जाएंगे। इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है संसार में। कोई व्यक्ति धनी का लड़का है, उसको बहुत सुविधा है, भगवान की कृपा प्राप्त करने में ये सब चीज़ कोई कारण नहीं है। धनी है, बहुत पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, पढ़ा लिखा और बड़ा जॉब कर रहा है, इसी से वो बड़ा भक्त हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नारद जी बता रहे हैं अपने अपने माँ के विषय में, को अस्वतंत्र थी, इसीलिए मेरा योगक्षेम चाहते हुए भी समर्थ नहीं थी, कुछ कर नहीं पाते थे। और मैं उन ब्राह्मणों के साथ रह रहा था, अहम च तद ब्रह्म कुले उ सीमांश तद अपेक्षा, मैं वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ रह रहा था, ब्राह्मण कुल में, वो ब्राह्मणों की बस्ती थी, और इसीलिए वो ब्राह्मण चातुर्मास वहाँ कर किए थे। तो मैं उस ब्रह्म कुल में रह रहा था, किसके लिए, तद अवेक्षया, अपने माँ के कारण, कि माँ मुझे पालती थी, खिलाती थी, पोसती थी, तो उस अपेक्षा से मैं वहाँ था। अहम च तद ब्रह्म कुल उसीमान, उसीमान का अर्थ में बसा था, बस रहा था, तद अवेक्षया, माँ के प्रेम के कारण। दिग्देश काला विपन्नो बालक पंच है, मैं 5 वर्ष का था, और मुझे देश का, काल का कोई ज्ञान नहीं था, मुझे कभी पता नहीं चला कि यह जनवरी चल रहा है कि फरवरी चल रहा है, जो काल का है, कोई काल विशेष आ गया, कोई पर्व आया, या हमको कोई ज्ञान नहीं था, और देश का भी ज्ञान नहीं था। देश मतलब इधर से ये, इधर कौन स्थान पड़ेगा, कौन शहर कहाँ है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं था। एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे बच्चों, कहने का सही है। उसमें नाम पता नहीं क्या होगा, नारद नाम तो जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए तब हुआ, तो नाम नहीं बता रहे इनका क्या नाम था। मैं 5 वर्ष का बच्चा था, इतना कह रहे हैं, पंच हायन, हायन मैंने वर्ष, 5 वर्ष का बच्चा था, और देश काल के विषय में ज्ञान नहीं था। 5 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान होगा, तो कभी कभी घर भी भूल जाते हैं, मेला जाते हैं तो खो जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ घर है तो कुछ पता ही नहीं, उससे तो बेटर कुत्ता है जो कहीं छोड़ दीजिए चले जाते हैं अपने, है ना। लेकिन मनुष्यों के तो बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, एकदम कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, कोई दूर पर छोड़ दे पूछे कहाँ घर है तो कोई ज्ञान नहीं है कि किधर मेरा घर है, घर का क्या नाम है। हमें याद है मकर संक्रांति के दिन हम लोग मेला जाते थे, उसे खिचड़ी का मेला या संक्रांति का मेला कहते, तो कई बच्चे भूल जाते थे, तो माइक में अनाउंस करते थे इधर भूल गए, ये हो गया, तो लोग अपने अपने बच्चों के पॉकेट में अपना नाम, पिताजी अपना नाम और घर का नाम, गांव का नाम और उस बच्चे का नाम सब लिख करके रख देते थे। कभी भी अगर तुम भूलो तो ये बताओ मेला के अधिकारी को कागज़, तो कागज़ से मेला वाला तब पहुंचाता था, और अपने से तो कोई बुद्धि नहीं है कि पहुंच जाए। तो वही श्री नारद जी कह रहे हैं कि मुझे देश काल का ज्ञान नहीं था कुछ भी। दिग्देश काला वृत्पन्न बालक पंच है ना, मैं रह रहा था, माँ पर मेरा बहुत भरोसा था, माँ मेरा आश्रय थे, लेकिन एक दिन की बात है,
मेरी माँ शाम के समय रात हो गई थी, गाय दुहने के लिए निकली। एकदा निर्गताम गेहा घर से निकली दुहंतिम ऋषि गाम पथी और गाय दुह रही थी। गाय दुह रही थी तब तक बिल से सांप निकला और मेरे माँ को डस दिया। सर्पो अदसत पदास पृष्ट कृपणाम काल चोरित। श्री सूत जी कहते हैं इसमें सर्प का क्या दोष था, काल चोरित, काल के द्वारा प्रेरित होकर के वो डस दिया। उस बच्चे का एकमात्र सहारा माँ थी, उसको भी भगवान ने छीन लिया। तो श्री नारद जी को इससे दुख नहीं हुआ, बता रहे हैं कि एक दिन मेरी माँ दूध दूह दूह रही थी, शाम के समय घर से निकल करके काल से प्रेरित होकर के सर्प और दशरथ सांप डस दिए, काट दिए। तदा तदहमि सस्य भक्तानं समभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरं। तो उस समय मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं इसे भगवान का अनुग्रह माना, भगवान कोई विशेष कृपा करना चाहते हैं। देखिए बच्चा का आगे पीछे कोई नहीं है, कोई पालने वाला नहीं, पालने वाली माँ थी, माँ को भी सर्प ने डस दिया। तदा उस समय अहम भक्तानम सम अभिप्सत, मैं ये बात जान रहा था कथा सुनने से कि भगवान अपने भक्तों का सम अभिप्सत कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, और संसार में जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो बच्चा विचार किया कि मैं माँ पर बिल्कुल डिपेंड था, आश्रित था, भगवान ने मेरे माँ को छीन लिया, मेरी माँ मर गई। उन्होंने सोचा कि भगवान का यह अनुग्रह है, अवश्य वे मेरे जीवन से दूसरे का आश्रय हटाना चाहते थे। तो भगवान का अनुग्रह मन्य माना, भगवान की कृपा मानते हुए मैं घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया और प्रातिष्ठम दिशा उत्तरांग और उत्तर दिशा की ओर चल दिया, हिमालय की ओर चल दिया। इस समय इतना ज्ञान है कि जिधर गया वो उत्तर दिशा था, उस समय उनको पता नहीं था कि उत्तर है कि पश्चिम है कि दक्षिण है, दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं था। या सूर्य के उगने से अनुमान कर लेते थे कि इधर पूरब है, और कुछ ज्ञान नहीं था। तो मेरी माँ मर गई और मैं माँ को छोड़ करके, उसके मृतक शरीर को छोड़ करके घर से निकल गया और हिमालय की तरफ गया, उत्तर दिशा में। देखिए ये है रियलाइजेशन, 5 वर्ष का बच्चा अनुभव कर रहा है कि ये भगवान का अनुग्रह है। क्या अनुग्रह है, वो बच्चा ये सोचता था कि माँ मेरा सहारा है, मेरा आश्रय है, जिला रही है, खिला रही है, लेकिन भगवान मेरे माँ को हटा कर दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं पोस रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं जिला रहा हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरा परिवार आश्रय है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे स्वजन हैं, उनके कृपा से मैं अच्छा से रहूँगा। लेकिन ये सब फालतू विचार है, कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता। यदि भगवान न चाहें तो समर्थ माता पिता के रहते हुए बच्चे मर जाते हैं, देखा जाता है। माँ चाहती है रक्षा करना, पिता चाहते हैं और धनी भी हैं, पर उनके सामने बच्चे मर जाते हैं। कितना भी समर्थ डॉक्टर और समर्थ दवाई रहती है, फिर भी बच्चे रोगी मर जाते हैं। फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल और फर्स्ट क्लास के डॉक्टर देखते रह जाते हैं तो चला जाते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। और भगवान अगर चाहें तो कई बच्चे गली में फेंक दिए जाने के बाद भी जीवित रहते हैं, उसे दूसरे लोग गोद में लेते हैं, ये देखा गया है।
एक बार की बात बता रहा हूँ, सत्य कथा है। गोरखपुर में सुना था भाई जी हनुमान प्रसाद पुद्दार के सामने एक मारवाड़ी थे, वे जा रहे थे गोरखपुर से कलकत्ता, उनको जाना था। राधाष्टमी का उत्सव बीत गया था, वो जा रहे थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और बाथरूम में गई रेलवे के कंपार्टमेंट में, और उसी समय गर्भ का श्राव हो गया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी तो बच्चा बाथरूम में जो पाइप होता है नीचे मलबू तो जाता है, उसमें गिर गया और रेल की पटरी पर चला गया। तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा, और गाड़ी कुछ चल रही थी, बहुत फास्ट नहीं थी लेकिन चल रही थी। उसके बाद चेन पुलिंग किया गया, चेन पुलिंग हुआ तो टार्च जला करके सब देख रहे हैं, टीटी वगैरह सब। बच्चे को थोड़ा सा कहीं पर खरोच था, बाकी वो जी रहा था। ये भगवान चाहते हैं तो कहीं भी बचा लेंगे। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे, कृष्ण चाहे तो कहीं से किसी भी स्थिति में बचा लेंगे, और वे नहीं चाहेंगे तो सब रक्षा रखी रह जाएगी लेकिन मार दी जाती। तो श्री नारद जी ने यह अनुभव किया अपने पूर्व जन्म में कि यह भगवान का मंगल विधान है। भगवान इस तरह अपने भक्तों का हित करते हैं, अन्य आश्रय छुड़ा देते हैं, ये भगवान की कृपा है। जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा ये भरोसा है, ये सहारा है, ये सहारा है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है, वो भगवान की शरण में नहीं जाता। लेकिन भगवान अन्य आश्रय छुड़ा देते हैं अपने आप, जिस बल पर तुम हो माँ के तो इसको हटा दो। तो मैं भगवान का अनुग्रह मानते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। क्यों जा रहा हूँ इसका मुझे कोई बोध नहीं था, ऐसे ही चल दिया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चला है। और बहुत भयानक जंगल में प्रवेश किया। स्फीतान जन पदांश तत्र पुरग्राम ब्रजाकरान, बड़े बड़े समृद्ध गांव जहाँ तहाँ थे, नगर थे और अहीरों की बस्तियाँ थी, गायों के स्थान थे और खनिज द्रव्य थे। खेट खरवट बाटिंस च, खेत और खरवट ये किसानों के गांव को कहते हैं, खेत खरवट और बाटिस च, अनेक बगीचे, बनानी उपबनानी च। मैं पार करता जा रहा था, देखा कहीं वन है कहीं उपवन है। मनुष्यों के द्वारा जो वन लगाया जाता है उसको उपवन कहते हैं, प्लांटेशन, और भगवान के द्वारा जो पेड़ उगाए गए हैं उनको वन कहते हैं। वन देखा, उपवन देखा, चित्र धातु विचित्राद्रि निव भग्न भुजद्रमा, और मैं अनेक प्रकार के पहाड़ देखा, अनेक रंग के और विचित्र धातुएँ उनमें थी। और ये भी देखा कि जंगली हाथी के द्वारा तोड़े हुए बहुत से वृक्ष हैं, वृक्षों की शाखाएं हैं अभी ताज़ा ताज़ा तोड़े हैं जंगली हाथी, पर मुझे भय नहीं लगा। मैं भगवान की कृपा मान करके चलता गया, चलता गया। तो एक जगह कोई देख ले कि यहाँ हाथी अभी भी पेड़ तोड़ा है तो आदमी का तो प्राण सूख जाएगा, वो लौट जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन श्री नारद लौटे नहीं, इव भग्न भुजत दुर्मान, वृक्षों की भुजाओं को हाथी के द्वारा तोड़े हुए मैं देखा अनेक, और मैं बढ़ता जा रहा था। जलाशय शिव जलाल नलिनी सुर सेविता, और बहुत से जलाशय मैं देखा, सरोवर देखा जिनमें बहुत सुंदर स्वच्छ जल भरा हुआ था, और ऐसे भी जलाशय देखा जहाँ पर देवताओं की स्त्रियाँ खेलने आई थी और स्नान करने आई थी, ऐसे देखा उन्होंने। अब अनुभव करते हैं, उस समय नहीं पहचान रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उस समय मैं देखा देवताओं की स्त्रियाँ स्नान कर रही थी। और चित्र स्वनय पत्र रथय, और अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले विचित्र विचित्र पक्षी मैं देखा, विभ्रमत भ्रमर श्रेय,
और भंवरे गुनगुना रहे थे उस जंगल में पुष्पों पर जहाँ तहाँ। नल वेणु सरस्तंभ कुश की चब गहवरब, वह वन वह जंगल नल बांस शार स्तंभ कुश कीचक आदि से बहुत गहवर हो रहा था, बहुत घना था, उसमें प्रवेश करना कठिन था, लेकिन बहुत भयानक जंगल था। और मैं उन सबसे कुश कीचक आदि से पार करता हुआ जा रहा था। एक बात जा तो मैं अकेले था, अकेला बच्चा था मैं, लेकिन मैं पार किया इस तरह से जंगल को। अद्राक्षम विपिनम महक, और एक भयानक वन को देखा, घोरम प्रति भयाकारम, उस जंगल को देखने पर बहुत भय होता था। और वह जंगल सांप उल्लू और सियार का अखाड़ा ही था, सब फ्री घूम रहे थे। इधर सांप घूम रहे हैं, सियार घूम रहे हैं और उल्लू बोल रहे हैं, बहुत भयावह था। लेकिन श्री नारद जी कहते हैं कि मुझको भय नहीं लगा। देखिए भगवान की कृपा, किस तरह से बच्चा भगवत कथा सुन करके और इतना बड़ा ज्ञानी हो गया समझदार। स्वयं कह रहे ब्यालु लुक शिवाजी राम, ब्याल सर्प, उल्लुक उल्लू और शिव सियार, अजीरम ने आंगन, फ्री घूम रहे थे सब। तो मैं सब देखा और भी देखा कई भयानक दृश्य। चलते चलते मैं थक गया, परिश्रांत इंद्रियात्मा हम अहम, परिश्रांत इंद्रियात्मा, मेरी इंद्रियां थक गई, पैर थक गया, हाथ पैर सब में दर्द हो गया, आँख दुखने लगी, बोला नहीं जा रहा था। बच्चा बेचारा बिना खाए पिए और जंगल में जा रहा। वास्तव में भगवान ऐसे मिलते हैं, बहुत आराम से जीने से भगवान मिल जाएंगे ये असंभव बात, तपस्या करनी पड़ती है। स्वयं नारद जी कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां परिश्रांत हो गई थी और आत्मा मन भी थक गया था। माँ मर गई है और जिस दिन मरी है उसी दिन बच्चा घर से निकल गया। अरे इस संसार में माँ भरोसा नहीं है, न पिता है न भाई है, वास्तव में कृष्ण सबसे बड़े सहारा है। वही गर्भ में जिला करके लाते हैं, वही बाहर पालते हैं, वही असली साथी हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, कृष्ण ही माँ है, वही पिता है, वही भाई है, वही विद्या है, वही धन है। पर किसी भाग्यशाली व्यक्ति को इसका रियलाइजेशन होता है। यह रियलाइजेशन सामान्य नहीं है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। तो श्री नारद के मन में ये बात आने लगी। तो मैं थक गया था, अतृप्त परीत, तृप्त मतलब प्यास, परीत प्यास से घिर गया, मुझे बहुत प्यास लगी थी और बुभुक्षित भूख भी खूब लगी थी, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। तो मैं एक सरोवर के पास गया और वहाँ स्नात्वा पीत्वा च, मैं उस सरोवर के जल को पिया और इसके बाद स्नान किया। उपस्पृष्ट गत श्रम, नदी में स्नान करने से पानी पीने से मेरा श्रम चला गया, थकावट चली गई। अभी खाए नहीं हैं लेकिन नदी का पानी पी लेने से थोड़ी सी शांति हुई। इसके बाद जो ये भागवत सुने थे साधुओं के मुख से भगवान की कथा, तो उसी में मन रम रहा था। तुरंत भूख प्यास भूल गए, बिना खाए पानी पिए लेकिन भोजन नहीं किए। तो ये कहते हैं कि तस्मिन निर्मनुजे अरण्य, उस वन में एक भी मनुष्य नहीं था, मनुष्य नहीं था, केवल जंगली पशु थे, पक्षी थे, सांप आदि भरे थे, निर्मनुष्य अरण्य था। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जहाँ कोई रण नहीं है उसको अरण्य कहते हैं।
जंगल में वन पहाड़ में भूमि है वो किसी की नहीं है, पर शहर गांव में तो सीमा होती है, झगड़ा होता है, लोन होता है आपस में, हमारा है तुम्हारा है हमारा है तुम्हारा। लेकिन जंगल को अरण्य कहते हैं, नहीं कोई झगड़ा नहीं है। ऐसे वनवासी जीवों में लड़ाई होता रहता है, लेकिन वहाँ जमीन आदि के लिए कोई झगड़ा नहीं है। किसका जमीन कहेंगे, सब भगवान का है। कोई यहाँ दावा नहीं कर सकता कि ये बाउंड्री मेरी है। तो धीरे धीरे कुछ लोग घेर करके और अपना काम रखते हैं, परंतु शहर और गांव में बाउंड्री है और हमेशा कुछ न कुछ विवाद झगड़ा ये चलता रहता है। इसलिए इसको जंगल को अरण्य कहते हैं। अरण्य मतलब यहाँ रण नहीं होता है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि वो अरण्य ऐसा था जो निर्मनुज था, उसमें मनुष्य नहीं थे, सुनसान, केवल मैं अकेले था। तो उस मनुष्यहीन वन में, जंगल में, मैं एक पीपल के ऊपर निकट बैठा, पीपल के नीचे, पीपल का वृक्ष था, मैं उसके नीचे बैठा। पीपल के उपस्थ का आश्रय लिया, उपस्थ मतलब जड़ नीचे का, और आत्मनात्मानमात्मस्थम यथाश्रुतम चिंतन, मैं अपने मन को समाहित करके और अपने हृदय में स्थित भगवान कृष्ण के विषय में चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। अभी माँ मरी है, बच्चा घर से चला है, खाया नहीं है, केवल पानी पिया, पर कथा का ऐसा प्रभाव था जो साधुओं को मुझसे चार महीना सुना है, भगवान में ध्यान, भगवान के चरण का चिंतन कर रहे। जथा श्रुतम अचिंतयम, जैसा मैं सुना था भगवान के रूप का वर्णन, सांवला सलोना, हाथ में बांसुरी लिए हुए, ऐसा चरण है और चरणों में नूपुर है, ऐसा पीताम्बर है, कमर में करधनी बांधे हैं और भुजाएं भगवान की, और मुकुट और वनमाला वगैरह, जैसा जथा श्रुतम, जैसा मैं सुना था उसके अनुसार अचिंतन, चिंतन करने लगा। पढ़ा तो नहीं था, पढ़े नहीं थे, केवल सुने थे। इसीलिए श्री नारद जी कह रहे कि जथा श्रुतम अचिंतन, जैसा मैं सुना था वैसा चिंतन करने लगा। क्या श्रद्धा है! आजकल भगवान के रूप का कोई वर्णन सुनता है, पढ़ा लिखा आदमी है तो गधा तुरंत तर्क करता है, भगवान का तो कोई रूप नहीं है। ये बच्चा इतना श्रद्धा से सुना था कि भगवान के रूप का चिंतन करने लगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जथा श्रुतम अचिंतयम, मैं जैसा सुना था साधुओं के मुख से, मैं इस रूप का चिंतन करने लगा। और चिंतन करने लगा चरण कमल का, भगवान के रूप का, मधुर मुस्कान का, तुरंत मुझे रोमांच होने लगा। प्रेमाति भर ध्यायतस चरणम भोजम भाव निर्जित चेतसा, भाव के द्वारा, अनुराग के द्वारा मेरा मन बस में कर लिया गया था, और ऐसे अनुराग युक्त चित्त से मैं भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगा। चरणम भोजम ध्यायतः, जब भगवान के, श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा तो इतनी उत्कंठा उत्पन्न हुई, उत्कंठा हुई, वो देख करके भगवान के चरण कमल को या भगवान के रूप को मन में देख करके उत्कंठा उत्पन्न हुई। उत्कंठा ये हुई कि भगवान से मैं कब मिलूँगा, कब उनको भर आँख देखूँगा, उनके चरण का स्पर्श करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनको अपने आलिंगन में लूँगा, इसको उत्कंठा कह रहे हैं। ऐसी जब उत्कंठा हुई तो मेरे आँखों में आंसू भर आए, ध्यान करने बैठा और तुरंत आंसू आने लगे। और कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में सनाई भरी, आँखों में आंसू आ गया, पुलक छा गया, और मैं देखा कि भगवान मेरे हृदय में बिल्कुल प्रकट हो गए। हृदय आसीन में सनाई भरी, धीरे धीरे भगवान मेरे, तुरंत आंसू आने लगे। और कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में सनाई भरी,
आँखों में आंसू आ गया, पुलक छा गया और मैंने देखा कि भगवान मेरे हृदय में बिल्कुल प्रकट हो गए। हृदय आसित, हृदय आसित में समय रहे, धीरे धीरे भगवान मेरे हृदय में आविर्भूत हो गए पूरा और मैं मग्न होकर के देखने लगा भगवान को हृदय में। अरे आँख से देखे आदमी चाहे हृदय में देखते, दोनों एक ही है वास्तव में। भगवान का रूप उदित होना चाहिए, जैसे आँख मैटेरियल है तो हृदय भी मैटेरियल है। भगवान कृपा करके मैटर में अपने को प्रकट कर देते हैं, मन में आवे चाहे आँख के सामने आवे। तो श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान में हृदय आसित, मेरे हृदय में उदित हो गए। प्रेमात भर निर्भिन्न पुलका पुलकांगोति निर्वृत्त, प्रेम के अति बाढ़ से अनुराग से मुझे पुलक छा गए, मेरे सारे शरीर में पुलक छा गए, रोमांच हो गया। अति निर्वृत्त, मैं अतिशय आनंद में हो गया कि अभी बच्चा भूखा था, प्यासा था, थका था, लेकिन अब कह रहा है कि अति निर्वृत्त मैं परम आनंद में मग्न हो गया, परम सुख में मग्न हो गया भगवान को देख करके हृदय में। आनंद संप्लवे लीनो, मैं आनंद के बाढ़ में डूब गया और ना पश्यम उभयम मुने, उस समय मैं भूल गया संसार को। संसार मेरे मन में नहीं था, ना आँख के सामने था, उभयम मैं भूल गया। उभयम का यहाँ अर्थ है संसार को और अपने को, दोनों को भूल गया मैं, दोनों की विस्मृति हो गई, केवल स्मरण रहा भगवान का रूप, भगवान का चरण कमल, इसी को मैं देखता था। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि आनंद संप्लवे, संप्लव कहते हैं सम्यक बाढ़ को, आनंद की बाढ़ में मैं लीन हो गया और उभयम न अपश्यम, दोनों को नहीं देखा, अपने को और संसार को। यही बंधन है ना कि हम लोग रोज अपने को देखते हैं और दुनिया को देख रहे हैं, यही है ना। दुनिया को भूल जाए और अपने को भी भूल जाए, केवल भगवान याद रहे, तो यही तो परम सिद्धि है। तो सिनार जी कहते हैं उभयम न अपश्यम, दोनों को नहीं भूल गया। रूपम भगवतो जतन मनः कांतम सुचापहम, भगवान का वह रूप कैसा था, मनः कांतम मन के लिए अत्यंत प्रिय है। कांत का अर्थ होता है सुख की सीमा, क माने सुख और अंत माने सीमा, सुख की सीमा है भगवान का वो रूप, आनंद घन है और मन को बहुत प्रिय लगता है। तो मनः प्रिय भगवान के उस रूप को मैं देखने लगा सुचापहम, और वह रूप ऐसा है कि उसका जो ध्यान करता है व्यक्ति तो उसका शोक दूर हो जाता है, किसी बात का शोक नहीं होता है। हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको आदर नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी बात की चिंता नहीं होती है, वो मग्न हो जाता है। इसको कहते सुचापहम, शोक का नाश करने वाला, अन्यथा व्यक्ति कुछ न कुछ शोक में डूबा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यहाँ तक कि अगर ट्रैफिक लाइट लाल देर तक रह गया तब भी शोक में डूब जाता है, क्या छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करता है। हरे कृष्ण, ये मनुष्य का स्वभाव है, शोक कर रहा है क्योंकि उसको परम धन मिला नहीं। जब भगवान का रूप मन में उदित हो जाता है तो उस धन के आगे वो अपने को परम सुखी समझता है और तीनों लोगों का धन उसके लिए तुच्छ हो जाता है, मान सम्मान, शोक का नाश हो जाता है, आनंद में डूब जाते हैं। तो अपश्यन सहत्सो तस्थे वैक्लव्या दुर्बनाई, नारद जी कहते हैं कि अकस्मात मेरे हृदय से वो रूप गायब हो गया, पहले देख रहा था इसके बाद अकस्मात गायब हो गया। जब अदृश्य हो गया, तिरोहित हो गया रूप, तो मैं अपने आसन से सहसा उठकर खड़ा हुआ और मन में ही वो देखना चाहते हैं, फिर बार बार देखना चाहते हैं, बहुत व्याकुल हो गए। दिदृक्षु तदहम भूय प्रणिधाय मनोहृदय, मैं हृदय में अपने मन को बार बार ला करके एकाग्रचित करके
और भगवान को देखना चाहता था, लेकिन वृक्ष माणो भी ना पश्यम, मैं प्रयास करके भी अब नहीं देख रहा था, भगवान को नहीं देख सका, जबकि मैं अवितृप्त रह गया। जैसे कोई प्यासे व्यक्ति को पानी दे लेकिन जैसे कान में या आँख में डालने वाली दवाई होती है उस ड्रॉपर से पानी दे दें तो क्या वो तृप्त होगा और व्याकुल हो जाएगा है कि नहीं। इस तरह से भगवान तो रूप तो दिखाए एकदम अपना साक्षात, लेकिन थोड़े देर के लिए और तिरोहित कर लिए तो बच्चा व्याकुल हो गया उसको देखने के लिए। कितना भी मन को समाहित हृदय में कर रहा था, देखना चाहता था लेकिन वो रूप आ ही नहीं रहा, तो व्याकुल हो गया आतुरा। एवं जतंतम विजन है, उस निर्जन वन में मैं इस प्रकार जब जत्न कर रहा था भगवान मेरे हृदय में आवे, मुझे दर्शन दे, कुछ नहीं हुआ। जब व्याकुल था, जैसे सांप का मणि चला जाए, सांप छटपटाता है, वैसे वो बच्चा छटपटा रहा था, भगवान कहाँ चले गए, मेरे मन में क्यों नहीं आ रहे हैं। जब जत्न कर रहा था, कभी आसन लगाता था, कभी आँखें बंद करके देखना चाहता था, लेकिन आ नहीं रहा था। तो जत्न करते हुए उस बच्चे को सुना करके आकाशवाणी ने कहा, मतलब भगवान बोले, अगोचरो गिरा, बोलने वाले दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन आवाज साफ सुनाई पड़ी। नारद गंभीर स्लक्षण आवाचा सुचस प्रश्न, वाणी बोल रहे थे, हमको आश्वासन दे रहे थे, मैंने भगवान आश्वासन दिए बहुत सुंदर गंभीर वाणी से, लेकिन शोक दूर नहीं हुआ, शोक थोड़ा सा कम जैसा हुआ, दूर नहीं हुआ। जब तक भगवान का रूप नहीं देखने को मिले तब तक शोक जाता नहीं, और जो देख चुका है एक बार वो तो और तड़पता है। तो भगवान बोले, देखिए ये चार श्लोक भगवान बोल रहे हैं श्री नारद, हंतास्मिन जन्मनि भगवान मामाम दृष्टमिहारसी, इस जन्म में तुम मुझको नहीं देख पाओगे, इस जन्म में मुझे नहीं देख पाओगे, हम तो खेद की बात है, सॉरी भगवान बोल रहे हैं, हम तो अब इस जन्म में, अस्मिन जन्मनि भगवान माम मा दृष्टुमिहर, तुम इस जन्म में अब मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भक्ति योग में परिपक्व नहीं है, अभिपक्व कषायाणाम, और जिनका कषाय, जिनकी सांसारिक वासना दूर नहीं हुई है, ऐसे कुयोगियों के लिए मैं दुर्लभ हूँ, मैं उन्हें दर्शन नहीं देता। तो बच्चा तुरंत बोला, तो हमको दर्शन क्यों दिए। तो भगवान कहते हैं, दर्शन दिया कि इसकी याद करके तड़पते रहो, इसके लिए दर्शन दिया, तुम्हारी सारी कामना खत्म हो जाएगी, केवल मेरी लालसा बनी रहेगी, चस्का दिया मैं। सकृत जब दर्शितम रूपम, एक बार मैंने जो अपने रूप का दर्शन दे दिया तुमको, तो एतत कामाय तेना, इस रूप की तुम कामना करो, इसके लिए तड़पो, इसके लिए दिखाया हूँ। ये भगवान की परिपाटी है भक्तों के साथ, मैं एक बार अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि इसकी कामना तुमको बनी रहे और इसके लिए छटपटाते रहो। तो भगवान अपने में चित्त को लगा कर सब उसे खींच लेते हैं, सब उसे हटा लेते हैं, ये कृपा करते हैं भगवान। एक बार रूप का दर्शन कराया इसके लिए कि तुम इसी के लिए तड़पते रहो, इसका चस्का लग जाए, और जो मेरी कामना करता है, मुझे मेरा दर्शन चाहता है, तो उसको क्या फायदा होता है कि मत कामा सनकय साधु सर्वम वंचति हि विषयान्, जो मेरी इच्छा करता है जीव, तो सब प्रकार के हृदय को, सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है और कोई कामना नहीं रह जाती। भगवत दर्शन की कामना इतनी प्रबल है और भगवान इतने मधुर हैं, वो अगर इच्छा हो जाए कि भगवान को देखें, तो और कोई कामना हृदय में उगेगी ही नहीं,
इसके लिए मैं दिखाया, तो अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख पाओगे, दासी शरीर में, दासी पुत्र में अब नहीं देख पाओगे। वैसे सत्सेवया अदीर्घयापि जाता मई दृढ़ा मते, तुमने सत्संग बहुत थोड़ा ही किया है, केवल 4 महीना, और इतने में ही तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ लग गई है, दृढ़ मति जाता। सत्सेवया अदीर्घयापि, तुमने साधु संग किया है, साधुओं के मुख से कथा कीर्तन किया, सुना, लेकिन अदीर्घया थोड़े काल के लिए किया, 4 महीना क्या है वास्तव में, इसी से तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ता से लग गई है। अब हित्वा वद मिमं लोकम गंता मज्जन तामसी, अब यह निंदनीय शरीर छोड़ करके अवध्यम इदम हित्वा, ये शरीर छोड़ करके लोक मन शरीर, और तुम मेरा पार्षद बनोगे, हम गंता मत जनताम, मत जनताम हमारे जो जन है उस स्थिति को तुम प्राप्त करोगे, मेरे पार्षद बनोगे ये शरीर छोड़ कर। भगवान इतना आश्वासन दिए, मतिर मई निबद्धेयम न विपद्यत करेचित, जो तुम्हारी मति मुझ में लगी है कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मति हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। प्रजा सर्ग निरोधेपि, प्रजा का, विश्व का सृष्टि होगा, प्रलय होगा, लेकिन फिर भी मेरे प्रति जो तुम्हारी बुद्धि है मुझ में लगी हुई कभी नष्ट नहीं होगी, चाहे प्रलय हो चाहे सृष्टि हो। और स्मृतिश्च मदनुग्रहात, सृष्टि होगी, प्रलय होगा, कुछ भी होगा, मेरे विषय में जो स्मृति तुमको है ये कभी नहीं जाएगी। भगवान वेदव्यास ने पूछा था कि आपकी स्मृति कैसे बनी रह गई, देखिए भगवान के आशीर्वाद से, भगवान ने कहा था कि मेरी स्मृति कभी नहीं जाएगी। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से कह करके भगवान विरत हो गए, आकाशवाणी चुप हो गई, तो मैं जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर प्रणाम किया साष्टांग, और प्रणाम को नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम, वास्तव में भगवान का रूप दिव्य है, अप्राकृत है, वो आकाश में थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तो महान से भी महान श्री भगवान को मैं प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और बहुत कृपा माना। जब भगवान नहीं दिखाना चाहते हैं तो मैंने फिर प्रयास नहीं किया, तो मैं करने क्या लगा, अब भगवान को देखने का आग्रह मैं छोड़ दिया, भगवान तो मेरे हृदय में रहते ही थे हमेशा, अब उनका नाम गान मैं चालू किया, नामानन्तस्य हतत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गांपर्य तंस्तुष्ट मना गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर। मैं अनंत से नामानी, भगवान के नाम को हतत्र पर लज्जा छोड़ करके पढ़ने लगा, मतलब गाने लगा। जिसको भगवान का इतना अनुग्रह मिला है, डायरेक्ट बातचीत हुई है भगवान हृदय में, कोई कामना वासना नहीं, कोई दुख नहीं, मैं भगवान के नाम को लाज छोड़ करके गाने लगा, और उनके परम रहस्यमय लीलाओं का स्मरण करने लगा। गुह्यानी भद्राणी कृतानी च स्मरण, नामानी पठन और भगवान के लीलाओं को गाने लगा, हृदय में स्मरण करने लगा, और गाते हुए ही भगवान का नाम गाते हुए पर्यटन गाम, पृथ्वी पर पर्यटन करने लगा, घूमने लगा। मेरा मन पूर्ण संतुष्ट था और किसी चीज की इच्छा नहीं थी, गतस्पृह, मेरी स्पृहा किसी चीज में नहीं रही और मैं पूर्ण संतुष्ट था। अब मैं उस काल की प्रतीक्षा करने लगा कि कब यह शरीर जाएगा और मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, बस यही इच्छा रहती थी, मैं प्रतीक्षा करने लगा कि किस दिन यह शरीर जाएगा और मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, यही सोचता था। कालम प्रतीक्षण विमदो में मत सरो, और मैं मदहीन था, भगवान का मुझे दर्शन मिला था, भगवान की वाणी सुनने को मिली, लेकिन इसका मुझे कोई गर्व नहीं था, मैं विमद था और विमत्सर, किसी के प्रति मेरी कोई जलन नहीं थी, मत्सरहीन था, बिना मद के था और कोई स्पृहा नहीं थी, और मैं संतुष्ट था। और इस दशा में पृथ्वी पर भगवान का नाम गाते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए मैं घूमता रहता था।
कहते हैं कि उस काल की प्रतीक्षा कर रहा था, तो इसी प्रकार से लीला गाते 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 भ्रमण करते करते नाम कीर्तन करते करते कृष्ण में मेरी मति तो लगी ही थी, मैं अशक्त था, संसार में कहीं भी मेरी आसक्ति नहीं थी, अमलात्मना और मेरा चित्त बिल्कुल पवित्र था, तो समय आने पर अकस्मात ही ऐसे मेरा समय आया जैसे बिजली चमके अकस्मात और प्रकाश छा जाए, तो हमने अनुभव किया, देखा कि मैं विशुद्ध भगवत पार्षद शरीर में चला गया, और यह भी देखा कि जब मैं पार्षद बना तो यह प्राकृत पांच भौतिक शरीर गिर गया। वो देख रहे थे, जो हम लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिलेगा, मरने से पहले पता नहीं कहाँ गिरेंगे, उसके पहले ही स्मरण खत्म हो जाता है। लेकिन नारद जी को स्मरण है कि ऐसे जैसे वो कोई एक कुर्ता लगावे और दूसरा कुर्ता निकाल कर गिरा फेंक दे, या पहले उसको फेंक दे और बाद में धारण कर। लेकिन नारद जी कह रहे कि मैं देखा कि मैं भगवत पार्षद स्वरूप पा रहा हूँ, और यह भी देखा कि पांच भौतिक शरीर गिर रहा है। यह आत्मा से अलग है ना, यही परम सिद्धि है। वे कहते प्रयुज्य माने मैताम शुद्धम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत पांच भौतिक। मैं भगवान का पार्षद बना, पार्षद शरीर प्राप्त किया, और यह पांच भौतिक न्यपतत, यह गिरा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर गिर ही जाता है, टिकता नहीं है, आत्मा के कारण टिका हुआ है। न्यपतत पांच भौतिक, और जब ब्रह्मा जी इस विश्व को लेकर के, जब भगवान इस विश्व को लेकर के शयन कर रहे थे गर्भ समुद्र में, उस समय सोने की इच्छा होने लगी हमारे पिता ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी अभी तो पिता नहीं बनते, ब्रह्मा जी को सोने की इच्छा हुई, तो उनके साथ ही मैं भगवान में प्रवेश कर गया, प्रलय की बात बता रहे। और जब वे सृष्टि का समय सृष्टि करना चाहते थे तो उनके पुत्र के रूप में मैं सृष्ट हुआ। नारद जी भगवान के पार्षद भी हैं और ब्रह्मा के पुत्र भी हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं। मैं फिर ब्रह्मा जी से जन्म लिया। तो ये आप देख रहे हैं ना, दुर्गा जी को कह रहे हैं, ये जो वीणा है, देव दत्तान इमाम वीणा, इस वीणा को भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट मुझे दिया है। ये अद्भुत वीणा है, कहीं केवल उंगली का स्पर्श हुआ और विविध राग रागनी से गाने लगता है। वीणा की विशेषता वो स्पिरिचुअल वीणा है, भगवान कृष्ण ने दिया। तो मैं भगवान के द्वारा दी हुई इस वीणा पर उन्हीं की लीलाओं का गान करते हुए, नाम गाते हुए और सारे जगत में घुमा कर रहा हूँ। और जब मैं प्रभु की लीला को गाने लगता हूँ, नाम को गाने लगता हूँ, तो जैसे बुलाए हुए की भांति वे आकर के हमें दर्शन देते हैं। बुलाता नहीं हूँ, केवल गाता हूँ, लेकिन वे ऐसे आ जाते हैं जैसे उनको बुलाया गया। आहूत युवा में शीघ्र दर्शनम जाति चेत, शीघ्र दर्शन देते हैं, बुलाए हुए की तरह आ जाते हैं। यही मेरा सुख है। आप भी जब श्रीमद् भागवतम की रचना करेंगे, भगवान की लीलाओं को लिखेंगे, तो आपका सुख दूर हो जाएगा और इसको पढ़ने वाले सुनने वाले भी सुखी हो जाएंगे। नारद जी ने बताया, प्रगायत स्वीर राणी तीर्थ पाद प्रिय सभा आहूत यो में सभा आहूत यो में शीघ्र दर्शनम जाति चेत। जब मैं भगवान के द्वारा दी हुई इस वीणा पर उनके यश को गाता हूँ, तो भगवान बुलाए हुए की भांति आ जाते हैं। प्रिय सर्वा, भगवान की कीर्ति बहुत प्रिय है, और तीर्थ पाद सारे तीर्थ गंगा आदि उनके चरण कमलों से निकलते हैं, कीर्तन करने पर बुलाए हुए की भांति आ जाते हैं। एतद ही आतुर चित्ता न मात्रा स्पर्श छया मुहु
भवा सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्य अनुवर्णन। इस प्रकार से हे वेदव्यास देव, जो इस जगत में मात्रा स्पर्श छाया विषय भोगों की इच्छा से आतुर चित्त हैं, व्याकुल चित्त हैं, उन सबके लिए भव सिंधु का एक ही प्लव है, जहाज है संसार सागर का, वो है हरिचर्यान वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन और श्रवण। एक ही जहाज है जिसे पार हो सकता। भव सिंधु प्लव दृष्ट हरिचर्यान वर्णन, जो लोग डूब रहे हैं संसार में, गोता खा रहे, उनके लिए एक ही नौका है, इसका आश्रय लें, भगवान के नाम और लीला जी का आश्रय लें और पार हो जाए। शास्त्र में वेदव्यास देने और बहुत सी चीज़ें लिखी थी, उसके विषय में नारद जी कहते हैं इससे कोई पार नहीं होगा, भगवान की लीलाओं से, नाम से पार होगा, हरिचर्या कहते हैं। और वो ही हरिचर्या अनुवर्णनम, उसका निरंतर वर्णन करना, यही जहाज है भव सागर से पार होने का, ऐसे जीव सुखी होंगे। और श्री नारद जी और भी बता रहे हैं, बड़े सिद्धांत के श्लोक हैं कि जमाद भीर जोग पथई काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया जदवत तथा माधाना सामने। कोई जम नियम जोग आदि करे, बहुत से साधन करे, लेकिन जितना मुकुंद की सेवा से, कृष्ण की भक्ति से चित जीव प्रसन्न होता है, आनंद का अनुभव करता है, शांत होता है, वैसा और उपाय से नहीं होता है। मुकुंद सेवा, मुक्ति देने वाले, प्रेम देने वाले भगवान कृष्ण की सेवा से चित्त जितना सुखी होता है, उतना और किसी चीज से नहीं। तो सर्वम तदिदमाख्यातम, मैं आपको सब सुना दिया जो आप हमसे पूछे थे, जन्म कर्म रहस्य में मेरे जन्म कर्म के रहस्य को आपने पूछा, और आप कैसे संतुष्ट होंगे, आपका दुख कैसे जाएगा, भवतश्च आत्मतोषाम, आपको आत्मतोष कैसे मिलेगा, सब मैंने सुना दिया। अपने अपना सुनाया कि मैं किस तरह से सुखी हुआ, किस तरह से इतने महान अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम गाने से, इसी से आपको संतोष होगा। सूत जी कहते हैं कि एवं संभाष भगवान नारदो वासवी सतम, इस प्रकार व्यास देव से संभाषण करके, बातचीत करके, और उनके सामने ही उनसे आज्ञा लेकर के और वीणा बजाते हुए गाते हुए चलते, श्री नारद चलते वहीं से, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाचे, अद्भुत वीणा है और अद्भुत संगीत है श्री नारद जी का, भगवान का जोश। हिमालय पर ही बद्रिकाश्रम से ही वे चले, और कहीं आकाश में, जल पर, अग्नि में कहीं जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, वहीं उठे और वीणा बजाते हुए और वेदव्यास देव ऐसे देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने चित्र भी बनवाया है, वेदव्यास देव ऐसे देख रहे हैं और नारद जी गाते हुए चल दिए। तो श्री सूत जी कहते हैं अहो देवर्षि धन्य जत कीर्तिम साधन धनवना गायन माद्य निदम तंत्र रमत्यातुरम जगत। अहो, इस पूरे ब्रह्मांड में देवर्षि नारद जी परम धन्य, धन्य है नारद। अहो देवर्षि धन्यो अयम, क्यों धन्य है, जत माने क्योंकि सारंग धनवना, सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की कीर्ति को, जस को गाते हुए, और इदम माध्यम इस विश्व को मतवाला करते हुए, आनंद में डुबाते हुए, तंत्र वीणा से भगवान के जस को गाते हुए सुखी करते हैं, रमयति आतुरम जगत, जबकि जगत दुखमय है, आतुर है, लेकिन इस जगत के सभी जीवों को सुखी करते हुए घूमते रहते हैं, इसलिए नारद जी धन्य, सर्वत्र घूमते हैं और लीला गाते हुए घूमते हैं। गायन माद्य निदम, गाते हैं और माद्यन मतलब मदमत्त करते हुए, आनंद में विभोर करते हुए, इसे माद्यन शब्द है, महाप्रभुर कीर्तन नृत्य गीत वादित माद्यन मनसो रसायन माद्यन शब्द। महाप्रभु के परंपरा के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण का गान करना, बाजा बजाना, इस तरह से गुरु सदा ऐसे कीर्तन करता है, ऐसे गुरु के चरण कमलों के में वंदना करता है। तो माध्यम का अर्थ है मदमत करना, विभोर करना, जो दुख में कराह रहा है जीव एक दिन आनंद में विभोर होता है कीर्तन सुन करके नारद जी का। तंत्री से, तंत्री कहते हैं वीणा को, तंत्री पर गाते हुए इदम आतुरम जगत रमयति, इस व्याकुल जगत को रमा देते हैं, सुखी करते हैं। अतः श्री नारद जी धन्य। शुद्ध गोस्वामी जी नामिशरण में वो कह रहे हैं धन्य है श्री नारद। इस प्रकार के वाक्य बहुत कम निकलते हैं बीच बीच में, धन्य है देवर्षि नारद। धन्य का क्या अर्थ है? सबसे बड़े धनी हैं, जिसको धन होता है उसको धन्य कहते हैं, और सारा जगत कंगाल है, धनी एकमात्र नारद जी है। भगवान का जस गाते हुए घूमते हैं। एक बार अतुल कृष्ण गोस्वामी बोल रहे थे वृंदावन में, वृंदावन के राधा रमण के गोस्वामी हैं, तो बोल रहे थे प्रभुपाद जी के जन्मदिन पर, तो कहते हैं, बोलते बोलते कहते हैं, इस संसार में जीवित केवल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है और सब मरे हुए एकमात्र जीवित हैं, उनको काल मार नहीं सकता है। काल उनके शरीर को ले लिया लेकिन उनके जस को नहीं ले सकता है। तो इस तरह से जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो नारद जी इसी तरह के परम धन्य पुरुष हैं, जो भगवान के जस को गाते हुए सारे जगत को सुखी करते हैं। तो वास्तव में सुख इसी में है कि भगवान का कीर्तन किया जाए, जप किया जाए, यही सुख है। ऐसी व्यवस्था जब आप करेंगे मनुष्यों को ग्रंथ लिख करके श्रीमद् भागवतम, तब आप भी सुखी होंगे और सारा जगत भी सुखी होंगे। और नहीं तो आप रोते रहेंगे और सब लोग रोएंगे, कुछ नहीं होगा। चाहे महाभारत लिखिए, चाहे कुछ भी कीजिए, उन लिखने के बाद भी वेद व्यास देव रो रहे थे। जब श्रीमद् भागवत की रचना किए तब पूर्ण प्रसन्न हो गए। इसी ग्रंथ को पढ़ करके सुन करके मनुष्य सुखी हो सकता है, यह संदेश है। हरे कृष्ण। महाराज जी, अपने वो कांत का अर्थ दोबारा समझाएंगे? कांत का अर्थ होता है सुख, अंत माने सीमा। कांत का अर्थ सुख की सीमा, बहुत प्रिय। मनः कांतम, भगवान मन के लिए बहुत प्रिय है। किसी भी विषय को आदमी सोचे मन जलेगा जलेगा जलेगा, लेकिन भगवान के रूप को जब सोचता है तो तृप्त हो जाता है। मनः कांतम सुचापन, कांत का अर्थ सुख की सीमा। अंत का अर्थ परिधि होता है, सीमा। अंत माने नाश नहीं, हम सब समय नहीं होता है। तो कांत माने सुख की सीमा, प्रिय। इसका अर्थ है प्रिय, मन के लिए बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम।